नमस्कार। बहुत से लोग क्या करते हैं, अमीर लोगों को देखते हैं, अरे यार वाह यार उसके पास क्या गाड़ी है, क्या बंगले हैं। फिर घर पे आते हैं, फिर सोचते हैं यार मैं भी अमीर जैसा बनूंगा, मैं भी अमीरों जैसी मेहनत करूंगा, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। लेकिन उनको पता नहीं कि अमीरी की शुरुआत कहाँ से करें। और बहुत से लोग तो शुरुआत कर भी लेते हैं, थोड़े दिन मेहनत भी करते हैं, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट में अगर असफलता मिली, अगर उन्हें हार मिली, तो बस चुपचाप बैठ जाएंगे, अरे यार मेरे भाग्य ने मेरे को साथ नहीं दिया यार, अगर मेरा भाग्य साथ देता तो मैं भी उसकी जगह पहुंच लेता। उस व्यक्ति को यार उसका साथ था यार, उसका हाथ था उसके ऊपर, इसलिए आज वो वहां टॉप पर पहुंचा। मेरे ऊपर भी किसी का हाथ होता तो मैं भी टॉप पर पहुंचता। ऐसे बहाने लोग बना देते हैं। अगर आपको अमीरी की शुरुआत करनी है तो बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूज। मेहनत करो, आगे बढ़ो, असफलता से लड़ो, और आप जी जान के मेहनत करो ना। क्यों बहाने बनाते हो, क्यों एक्सक्यूज बनाते हो? अगर आपको अमीरी की शुरुआत करनी है ना, तो आपको ये कार्य करने होंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। बोले कम और करे ज्यादा। जीवन में ध्यान रखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखे होंगे, बड़े बड़े लोग देखे होंगे, वो क्या करते हैं, बोलते बहुत कम है और बस अपने अंदर अंदर काम करते हैं। कभी देखा है आपने सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी ऐसे मतलब प्रचार करते हुए या ऐसे कहीं अपना आप शो ऑफ करते हुए कहीं देखा है? मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल नहीं देखा हो। बड़े लोग बोलते कम और करते ज़्यादा हैं, और आपको भी वही करना होगा। अगर आप भी बोलोगे ज्यादा और करोगे कम, तो कुछ नहीं कर पाओगे। सेकंड, अपना नॉलेज बढ़ाएं। आपको अगर किसी बिजनेस में कुछ महारत हासिल करनी है ना, तो उस बिजनेस में आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा। विदाउट नॉलेज यू कान डू नथिंग। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ एनी सेक्टर, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस सेक्टर। विदाउट योर नॉलेज यू आर अ जीरो इन एनी बिजनेस। नॉलेज इज द मस्ट फॉर यू। कहते हैं ना कि नॉलेज इज द पावर। क्यों कहते हैं? नॉलेज से हर चीज मिलती है। अगर आपके पास नॉलेज होगा ना, तो आप किसी भी बिजनेस में मात नहीं खाओगे। थर्ड, फेल होने पर भी हार मत मान। जो लोग शुरू शुरू में मेहनत करते हैं ना, बिजनेसमैन बनने की, अमीर बनने की, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये, सबसे बड़ी मतलब एक कमजोरी क्या होती है, थोड़े दिन तो मेहनत करेंगे, फिर हार मिलेंगे तो ऐसे, हार मिल गई तो ऐसे चुपचाप बैठ जाएंगे, अरे यार मज़ा नहीं आया, किस्मत ने साथ दिया, अरे व्हाट इज दिस यार। आप अकेले व्यक्ति हो जो आपको हार मिल रही है। जो बड़े टॉप पर पहुंचे, जो बड़े बिजनेसमैन हुए, उनको तो हजारों असफलता मिली, फिर भी वो चुपचाप नहीं बैठे। असफलता मिलने पर भी वो धीरे 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 अपना कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फोर्थ, अपना वादा निभाओ। वादा निभाने के लिए कोई बड़े बड़े वादे नहीं करने हैं। आप अपने दोस्तों में, आप अपने समाज में, आप अपने बिजनेस में, या आप कहीं जॉब कर रहे हो वहाँ पे, एक छोटे छोटे वादे करें और उनसे निभाएं। वादे निभाने से क्या होगा, आपकी क्रेडिट बढ़ेगी, लोगों में आपके ऊपर फेथ पैदा होगा, और आप कभी मात नहीं खाओगे। फिफ्थ, किसी का विश्वास मत तोड़ना। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया और किसी ने आपको फंडिंग की, उस फंडिंग का अगर आपने गलत इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा? आप तो मजे कर लोगे, लेकिन आपका जो विश्वास है ना लोगों के प्रति, वो सदा सदा के लिए टूट जाएगा। फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। विश्वास किसी का मत तोड़ना। सिक्स, खूब मेहनत करो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो कुछ एक बात ध्यान रखो, बिजनेसमैन लोग होते हैं क्या करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप भी, आपको भी लोगों से आगे बढ़ना है ना, तो जितनी लोग मेहनत कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप कुछ कर पाओगे।